नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रेम की रसोई एंड टिप्स इन व्लॉग में। तो गाइज, आज की रेसिपी हम आप लोग के शेयर करूंगी चने का दाल और मूंग के दाल का अदौरी। जैसे कि गाइज आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, तो आज हम इसी के आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसका सब्जी भी हम बहुत जल्दी बना के यूट्यूब पे डालूंगी गाइज। तो इसका रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। तो चलिए इसका बनाने का रेसिपी गाइस देख लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा, तभी बढ़िया से आप लोग समझ पाएंगे गाइस। तो देखिए, सबसे पहले हम ये दो बड़ा साइज के कटोरी ले लिए हैं। उसके बाद मीडियम कटोरी से हमने एक कटोरी मूंग के दाल डाले हैं। उसके बाद उसी कटोरी से एक कटोरी हमने चने का दाल डाले हैं गाइज। इसको हम एक रात के लिए भिगोएंगे गाइज, रात में ये बढ़िया से फूल जाएगा। उसके बाद हम इसको सुबह में बनाएंगे, क्योंकि इसको धूप में दिखाना होता है गाइज। तो जब भी आप लोग बनाइएगा, ये रात में चने का दाल है और मूंग का दाल भिगो दीजिएगा, सुबह में बनाइएगा, धूप में बढ़िया से ये सूख जाएगा गाइज। तो देखिए, हमने रात भर के लिए भिगो दिए थे, सुबह के 8 बज रहे हैं गाइज। तो चलिए अब इसको हम मिक्सी के जार में पीस के तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम बढ़िया से 2 से 3 पानी चने दाल का मूंग दाल के धो दिए हैं गाइज। उसके बाद हम मिक्सी के जार में इसको डाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाइएगा तो थोड़ा थोड़ा मिक्सी के जार में डाल के इसको ग्राइंड कीजिएगा गाइज। ये बना के आप 2 से 3 साल तक रख के खा सकते हैं। ये अदौरी कभी खराब नहीं होता है गाइज। जब भी घर में कुछ सब्जी ना हो तो इसको तुरंत आप बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरीके से घोर को तैयार किए हैं। ये देखिए, हम आप लोग का पास में दिखा रहे हैं गाइस। इसी तरीका से इसको बढ़िया से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसी में हम इसको डाल लेंगे। उसके बाद जैसे हम इसको पीस के तैयार किए हैं गाइस, इसी तरीका से हम उड़द के दाल को भी पीस के तैयार करेंगे। इसमें भी हम थोड़ी सी पानी गाई डालेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है ये, क्योंकि पतला है, ये जल्दी पतला हो जाता है पानी डालने से। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच के लगभग इसमें पानी डाले हैं गाई। उसके बाद उसी में हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो गाइस एक कोई भी दाल को बना के ये तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, हम दिखा रहे गाइस, अभी इसको मिक्स नहीं किए हैं। ये देखिए, पानी में हमने डाले हैं, ये पानी में अंदर बैठ गया है। अब इसको हम मिक्स करके आप लोग का दिखाएंगे गाइस। तो देखिएगा, ये एकदम ऊपर तक आ जाएगा। तो इसको लगभग 5 से 7 मिनट इस तरीके से मिलाना होता है गाइस। जितने बढ़िया हम मिक्स करेंगे, उतना ही बढ़िया ये इसका सब्जी बन के तैयार हुआ गाइस। तो देखिए, हमने 5 से 7 मिनट इसको मिक्स कर लिए है। दोबारा से हम पानी में डाल के देख लेते हैं गाइज। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पानी में डालते ही ये ऊपर आ गया है गाइज। तो एकदम बढ़िया से हमारा मिक्स हो गया है। इसी तरीका से आप लोग का बढ़िया से गाइज मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने धूप में पन्नी को डाले हैं। पन्नी में थोड़ा सा हम इस तरीका से सभी जगह तेल लगा देंगे। तेल लगाने से अदौरी बहुत आसानी से निकल जाएगा गाइस। अदौरी को अपना मन पसंद बड़ा या छोटा बना के तैयार कर सकते हैं गाइस। देखिए, हम ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम इसको इस तरीके से बनाए हैं। तो अपना मन चाहे उसको बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सूखने के बाद गाइस छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे, तो जितना बड़ा हम अदौरी ये अभी बना रहे हैं, उतना बड़ा ये सब्जी बनने के बाद हो जाएगा गाइज। अब उसके बाद देखिए, हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम 2 से 3 दिन सुखाएंगे। जितने बढ़िया इसको हम सुखाएंगे, उतने ये काफ़ी टाइम तक ये रहेगा गाइज। ये 1 से 1.5 साल तक रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, हम 2 से 3 दिन अदौरी को सुखा लिए है गाइज। ये बढ़िया से सूख गया है। अब इसको हम डाबा में बंद करके रख दूँगी। जब भी घर में कोई सब्जी ना हो तो इसको तुरंत आप बना के तैयार कर सकते हैं गाइस।
इसकी सब्जी इतनी टेस्टी बनती है गाइस कि आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इसकी सब्जी आप लोग बनाना चाहेंगे। तो इसकी सब्जी हम बहुत ही जल्दी डालूंगी। इसकी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस।